बन रही थी उसी समय लिखा हुआ था आपको चिट्ठी कैसा होना चाहिए, लेटर कहाँ तक होना चाहिए, 40 पीस से ऊपर है तो लेटर कैसा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म किस किस स्टेप पे होना चाहिए, वायरिंग कैसी होनी चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, रेलिंग कितनी होनी चाहिए, सब लिखा हुआ था हमने किया है। क्यों? वही 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 चीज आज दोबारा हो रही है। आपको आइडिया नहीं है, आपने वेंडर पे छोड़ दिया, तुम कर दो कर दे, उसको जितना पता था उसने कर दिया। वो क्या आज 25 के बाद आज हमारे पास 25 साल बाद आपको भुगतनी पड़ रही है, वो इस टाइप में जाने का ही रास्ता नहीं। 70 फीट पे हम लगा नहीं सकते, होल कर नहीं सकते, रेलिंग बना नहीं सकते। अगर वो पहले हो जाता तो आज फ्यूचर नहीं। आज यही सिचुएशन रोकने के लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसमें थी, डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है CPCB की वेबसाइट पे या गूगल पे आप सर्च मारेंगे वो मिल जाएंगे। और ये आप वेबसाइट पे डालेंगे CPCB से आप ले सकते हैं। सर ये मेरे की पॉइंट रखे हैं, कहानियाँ बहुत हैं सर, मैंने की पॉइंट रखे हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ एनालाइजर जो मैंने बनी सर्टिफिकेशन की बात, कितना एरर होना चाहिए, ये सारी गाइडलाइन में ये आप देख सकते हैं। कैलिब्रेशन कैसे करना है, कितना करना है, अभी कैलिब्रेशन कैसे होता है, अभी कैलिब्रेशन के लिए आपने देखा होगा कि वो लैब गया, प्रोब डाल दिया, अलग अलग डिस्टेंस के दो रीडिंग ले ली, आ गया जो वैल्यू आया, वैल्यू को सेंस की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, उतना फैक्टर डाल दिया, उसको कैलिब्रेशन नहीं बोलते, उसको करेक्शन नहीं। कैलिब्रेशन जब किया जाता है तो कैलिब्रेशन का जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग वैल्यू डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग, पहला डिस्टेंस का डायमीटर, उसके बाद कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर, उसके बाद इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, अलग सेम कोफिशिएंट अलग अलग डायमीटर पर लग नहीं सकता, अलग अलग डायमीटर के लिए ओपेसिटी और जो एक्सट्रैक्टिव या बैकवर्ड स्कैटर हो सबका वैल्यू अलग अलग होता है, डिपेंड्स ऑन ओपेसिटी कितनी होगी, डायमीटर पे डिपेंड करता है। आपने एक फैक्टर यूज कर लिया सबके लिए डाल दिया, नहीं तो वो उसका फैक्टर है वो डायमीटर, वो कोई नहीं करता, वो डिवाइड करता है, वो करेक्शन फैक्टर है, वो सही नहीं। और एक चीज़ याद रखिए, जो मिस्टेक से बहुत लोग करते हैं, आप जब जीरो स्पान टेस्ट करते हैं, जीरो वैल्यू नहीं आ रहा जीरो, आपने उसको बराबर करके जीरो कर दिया, अगर 5-10 आ रहा ऐसा नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट डू इट एवरी टाइम जीरो। जीरो चेक कर सकते हैं, पर जो डेविएशन है माइनस या प्लस वो उसको रहने दीजिए, जब तक वो 10% से ज़्यादा नहीं हो जाए तो कैन। अगर आप करेंगे तो बिना परमिशन के CPCB या CPCB के नहीं, अभी तो बहुत लोगों को पता नहीं, वो जीरो ला के वापस से जीरो कर देते हैं उसको, पर जीरो नहीं कर सकते आप, जब तक वो 10% एक्सीड हो गया तब आप इन्फॉर्म कीजिए, तब आप कर सकते। डस्ट फैक्टर जो आप निकालते हैं, डस्ट फैक्टर निकाल के आप डस्ट फैक्टर उसमें चेंज कर देते हैं, यू कैन नॉट डू इट योरसेल्फ विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द रेगुलेटर फर्स्ट। वो उसमें जब भी आप चेंज करेंगे वो रिकॉर्ड में चला जाएगा, इफ ऑडिटिंग इज डन देन इट इज वेरी क्लियर कि आपने वहाँ पर कुछ किया। आपका जब ज़्यादा होगा आप डस्ट फैक्टर चेंज करके डाल देंगे, तो आप भी जब भी वो कैलिब्रेशन करके डस्ट फैक्टर निकलता है यू हैव टू इन्फॉर्म बिफोर चेंजिंग। ये सारी चीज़ें हैं। कैलिब्रेशन गैसेस का कैसे करना है, बहुत जगह मैंने कैलिब्रेशन देखा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, कैलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग गैस का, जीरो स्पान रिमोट कैलिब्रेशन हो रहा है, जो CPCB है कुछ में शुरू किया, अमेरिका से टाटा स्टील वगैरह में कुछ स्टैक्स में हो चुका है, मैंने कुछ प्लांट में लिया और एक कैलिब्रेशन हो गया। कैलिब्रेशन होने के बाद जब मैं विजिट के लिए गया था, कैलिब्रेशन सिलेंडर ही अटैच नहीं था, तो रिमोट कैलिब्रेशन कैसे होता है, कौन सेट करता है रिमोट कैलिब्रेशन वहाँ, उसके भी बहुत तरीके, बीच में पकड़े गए, जो इक्विपमेंट था इक्विपमेंट से ही मैसेज पास हो जाता है वापस, वहीं से देता है कितना बेनिफिट चाहिए कितना लेना, इसलिए वो बीच वाला सिस्टम हटा दिया, डायरेक्ट जो वहाँ कमांड होगा कमांड सीधा एनालाइजर में जाएगा, एनालाइजर वो करेगा और फिर वैल्यू जाएगा, तो सबकी सबकी तोड़ पकड़ी गई। इसलिए बेहतर है हम लोग ट्रांसपेरेंट रहें और कोशिश करें, अभी ज़्यादातर 80-90% प्रॉब्लम है, कैन आई से इट इज बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट प्रॉब्लम, इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम, इट इज नॉट इंडस्ट्रीज लाइक, कुछ है जो इनफेमस है इस मामले में करेंगे करते हैं और पकड़े जाएंगे बिल्कुल, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं करते। अभी प्रॉब्लम 80% वही है, वो जो इक्विपमेंट के कारण, इंस्टॉलेशन के कारण, ऑपरेशन मेंटेनेंस सही नहीं होता चाहिए, उसके कारण गड़बड़ होता है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं, सेंस लगाया तो वो डस्ट मॉनिटर जब मैनुअल करता है उससे कितना डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि एक ही साथ अगर दोनों करेंगे, अगर डस्ट मॉनिटर बीच में आ गई तो दो बीच में आया तो ये डस्ट नीचे ऊपर वाले को अफेक्ट करेगा, जब आप कैलिब्रेशन करेंगे उतना जाएगा नहीं, जो डस्ट फैक्टर आप डिसाइड करेंगे वही गलत आएगा, वही डस्ट फैक्टर हमेशा वैल्यू देता है, जब आपका वैल्यू कोफिशिएंट गड़बड़ हो गया तो पूरा सारा वैल्यू गलत है। ये सारी चीज़ें टेक्निकल की हैं। डाटा एक्सीडेंट्स मैं दो चार क्वेश्चन बस ये आपको रीड आउट करता हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपने अपने प्लांट में खुद जाके पूछ लिया, खुद जाके आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहले अपने आप से पूछिए कि 82 कंप्लायंस है स्टेप,
है या नहीं है तो बेहतर है, नहीं है तो क्या आपने स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह कराया जो बेस्ट नज़दीक वैल्यू कहाँ पे सही आ सकता है, नहीं है अगर तो देन यू हैव टू टेस्ट इट एंड फाइंड अ सुटेबल प्लेस एंड एरर कितना होना चाहिए, तो एरर किसी भी के साथ डिस्कस की तो उतना एरर पहले से प्रिपेयर करके इतना होता है, जिमी तो तोड़ नहीं सकते, प्लांट बंद नहीं कर सकते, वो सोल्यूशन नहीं। तीसरा मैनुअल सैम्पलिंग कोड जो है जैसा मैंने बताया वो कितना मैनुअल सैम्पलिंग कोड और सैम्स में कितना डिफरेंस है, कौन सा नीचे होना चाहिए कौन सा ऊपर होना चाहिए, कम से कम 500 का डिफरेंस होना चाहिए और मैनुअल ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे होगा तो जब दोनों एक साथ करेंगे आप तो ऊपर वाले की रीडिंग ही गलत हो जाएगी, फैक्टर ही गलत आएगा। हीटेड पाइपलाइन अगर गैस के लिए है तो पूरा हीटेड है कि नहीं, कौन सी टेक्नोलॉजी पहला हॉटेड वेट वोल्ट ड्राइव कौन सी टेक्नोलॉजी है तो आपको बेसिकली पता होगा, हीटेड सैंपल लाइन वहाँ से एनालाइजर तक है, अगर बीच में कहीं भी छोटा सा स्पेस बच गया हीटेड नहीं है वहाँ पे वो रिजॉल्व हो जाएगा, वो रीडिंग वहाँ पे गलत हो जाएगी क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक होगी एसओ2 को लॉस हो जाएगा और एनालाइजर को भी खराब करेगा क्योंकि ऐसी हो जाएगा। क्रॉस डक्ट एनालाइजर अगर लगाया है तो आपको ये देखना है कि वाइब्रेशन इतना नहीं हो तो रीडिंग नहीं दे पा रहा है, डक्ट में लगाया है एनालाइजर सर्टिफाइड है उससे सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगिए और रखिए अपने पास, डाटा स्टैंडर्ड डाटा है कि नहीं, एनालाइजर या तो पीपीएम देता है या मिलीग्राम मीटर देता है, तो ये एनालाइजर नॉर्मल मीटर को नहीं देता, नॉर्मल मीटर के लिए आपको टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ अलग चाहिए, वो तो अलग चाहिए, वो अगर आप करते हैं तो उसका कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं नॉर्मल मीटर के लिए, जो वैल्यू आपको भेजना है वो नॉर्मल मीटर के लिए 80% में वो भी नहीं होता प्रॉपर, तो ये सब सारे चेक आप कर सकते हैं, इसलिए एक रिमाइंडर क्वेश्चन की तरह समराइज कर रहा हूँ आपको कि आपके लिए रिमोट कैलिब्रेशन फैसिलिटी अगर है आपने किया है सिलेंडर अटैच होता है सिलेंडर सर्टिफाइड है कि नहीं, सिलेंडर उसी रेंज के हैं कि ये चीज़ें देखने की जरूरत है। अब जैसे मान लीजिए आपका एसओ2 का नॉर्म है 300, जो इनिशियल लोगों ने इक्विपमेंट खरीदे थे वो जो मॉनिटरिंग की इक्विपमेंट की वो थे 12,000, उसने बोला जितना ज़्यादा होगा बड़ा होगा सब उसी के अंदर होगा, उसको नहीं पता कि 12,000 का अगर 1% भी एरर होगा, सब में होता है 12,000 का 1% भी एरर हो 120 का एरर है मॉनिटर कर रहे 200 तो 500 20 400 कितना आ रहा है आपको पता नहीं, कल ही जब इमिशन ट्रेडिंग हो जाएगा या स्टार रेटिंग में आएंगे आपका वैल्यू में इतना फ्लक्चुएशन होगा आप निगेटिव नहीं होगा, ये चीज़ें पहले से फिक्स होनी चाहिए और तो उसी हिसाब से दी गई।